हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वुमनिया पे। उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या सही है और क्या गलत। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 अप्रैल को रिलीज हुई एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड मूवी अमर सिंह चमकीला। इस मूवी को IMDb की तरफ से 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वहीं 93% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक की है। ये कहानी 1980s की है। मूवी के लीड रोल में आपको देखने मिल जाएंगे दिलजीत दोसांझ एज अमर सिंह चमकीला और परिणीति चोपड़ा एज अमरजोत कौर। बात करें मूवी प्लॉट की तो ये कहानी एक ऐसे सिंगर की है जो अपने दौर में बहुत फेमस थे, नंबर वन थे अपने अश्लील गानों की वजह से। इन अश्लील गानों की वजह से जहां लाखों लोग उनकी प्रशंसा करते थे, वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनको उनका गाना पसंद नहीं था, तो उनको धमकियां भी मिलती और चमकीला गाना छोड़ देते और फिर गाने भी लगते। इन्हीं रीजंस की वजह से उनकी मौत 27 साल की उम्र में हो जाती है। अब क्या ये सही था या गलत? अश्लील गाना सही था या गलत? 27 साल की उम्र में उनको मार देना, क्या ये सही था या गलत? बिना उनके हथियारों को सजा दिए केस क्लोज कर देना, क्या ये सही था या गलत? ऐसे कई सीन्स आएंगे इस मूवी के दौरान जहां आप एक पक्ष ले नहीं पाएंगे। अब वो आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप क्या सही मानते हैं और क्या गलत। तो दोस्तों, ये मूवी आपको हिंदी में ही नेटफ्लिक्स पे देखने मिल जाएगी, तो इस मूवी को आप एक बार जरूर देखिए और कमेंट में जरूर बताइए अपनी सोच। मैं भी जानना चाहूंगी कि आज का इंडिया क्या सोचता है। तो करते हैं यही इस वीडियो को एंड। आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और यस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर दो और अपने मूवीज बडी के साथ इसे शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिए ख्याल। शुक्रिया, धन्यवाद।